राजधानी देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर तेजी से काम करने और पीएम मोदी की सभी विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को विकासखंड स्तर तक अनुश्रवण कर विकासखंडों को रैंकिंग किए जाने की भी बात कही। बैठक में एनआईसी राज्य इकाई के सहयोग से विकसित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नवनिर्मित वेब एप्लीकेशन का भी प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें अब सीधे मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी प्रविष्ट करेंगे और प्रत्येक संकेतक के डेटा प्रमाणीकरण का कार्य विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाएगा। जिलों के अधिकारियों और राज्य मुख्यालयों के लिए पृथक पृथक आईडी और पासवर्ड निर्धारित किए जाएंगे। डैशबोर्ड के माध्यम से जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी 20 सूत्री कार्यक्रम की डेटा एंट्री और वैलिडेशन की प्रगति की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वासियों को लाभान्वित करने की कोशिश भी रखते हैं, उसको कर भी रहे हैं। उन सब विषयों पर विभाग में बहुत गंभीरता से उनका एजुकेशन हो पाया। प्रधानमंत्री जी जो संकल्प गरीब कल्याण के संकल्प है, उनके कृषि कल्याण के संकल्प, उनके जो युवाओं के संकल्प, जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के लिए जो संकल्प है, उन संकल्पों को लेकर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सही लोगों तक हम योजनाओं का संपादन करा पाए, क्रियान्वयन करा पाए, इस बात को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो हमारा हर एक अधिकारी हो, कार्मिक हो, एक नागरिक हो, और 2047 तक जो विकसित भारत का उनका सपना है, उनका संकल्प है, हम सब उनके साथ चल सकते हैं। यात्री के रूप में योगी के रूप में।